नमस्कार दोस्तों, डिवाइन सेवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज तक हमने डिवाइन सेवा में होम्योपैथी के द्वारे में हमने काफ़ी चीज़ें काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं। उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। हेल्थ रिलेटेड में होम्योपैथी होती है जो हमारे एक पहलू है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दूसरा पहलू है इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, बेसिक चर्चा करेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको, जैसे कि स्टॉक्स है, लाइफ इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, किस तरह उसका स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा पहलू है टाइम। इन्वेस्टमेंट के अंदर टाइम बहुत बड़ी चीज़ है। टाइम एक बार चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है, वो सभी को मालूम है। लाइक इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म के अंदर लोग ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स के बारे में, और ट्रेडिंग में कभी फ़ायदा होता है कभी नुकसान होता है। ट्रेडिंग के बारे में आपको टैक्स के इम्प्लीकेशन भी देखने पड़ते हैं और उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। आप किस टैक्स ब्रैकेट में हो वो हिसाब से आपको आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में रियल एस्टेट का भी होता है, जिसके अंदर मकान लेते हैं, मकान किराए पर चढ़ाते हैं और किराया वसूल करते हैं हर महीने को, ये भी एक पहलू है। उसके अंदर टाइम एक बहुत बड़ी चीज़ है। राइट टाइम टू गो इन एंड राइट टाइम टू गो आउट, वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी को बिल्ड करना चाहिए और किस तरह बिल्ड करेंगे हम एक एक वीडियो में आके आपको समझाएंगे। और तीसरा है टाइम, जो मैंने बताया आपको, और चौथा है फैमिली। अगर ये फैमिली अगर आपको बैलेंस में रखनी है तो ये हेल्थ, इन्वेस्टिंग, टाइम और फैमिली, ये चारों को आपको बैलेंस में रखना पड़ेगा। अब शुरुआत करते हैं बैंकिंग से। बैंकिंग में आप जब बैंकिंग करते हैं तो आप एक ही अकाउंट के अंदर सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, जो सैलरी आती है या कोई दूसरी तरह की इनकम हो, वो इनकम को आपको वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। किसी का चेक भी आ गया तो आपने उसमें डिपॉजिट किया। हर चीज़ में एक ही अकाउंट में काफ़ी लोग ऑपरेट करते हैं। जनरली मैंने देखा हुआ है कि 75-80% पीपल जो है वो हमेशा एक अकाउंट से ही ऑपरेट करते हैं, या तो दूसरे बैंक के अंदर एक दूसरा अकाउंट होता है उसी में भी उससे भी अकाउंट ऑपरेट करते हैं। अब होता ही है कि आपको पता नहीं चलता, कि जब आपको पता चलता है इतना बैलेंस है और इतना मेरा पैसा था, इतना खर्चा हो गया, बस वही एक आपको आइडिया आ जाता है कितना खर्चा होता है। अब आइडिया से कभी कभार काम नहीं चलता है, आप एक स्ट्रेटजी बनाएं। उस स्ट्रेटजी में आप एक ऑपरेटिंग अकाउंट रखें कि जिसके अंदर सारे आपके घर के खर्च हैं वो उसी में से जाएगा। एक दूसरा अकाउंट होना चाहिए बैंक का, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सेपरेट अकाउंट खोलेंगे। आपके जो भी पैसे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए उसको अलग निकाल के, उस इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग अकाउंट में से निकाल के उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रखेंगे। लेकिन ये जो अकाउंट बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो आपके लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बैंक को बताने की ज़रूरत नहीं, बैंक में तो आपने अकाउंट खोल दिया, दैट्स इट। अब तीसरा पहलू है कि आपका जो दूसरा सडन खर्चा आने वाला है वो आपको पता नहीं है, जिसको रेनी डेज कहते हैं, उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना चाहिए ताकि कभी कभार मुसीबत के अंदर वो पैसा काम आ जाता है। इस तीन तरह की स्ट्रेटजी बना के आप अकाउंट ऑपरेट करें तो उसके अंदर क्या होता है, साल के बाद इस ईयर एंड में आपको पता चलेगा कि मेरा ऑपरेटिंग खर्चा इतना है, इन्वेस्टमेंट का खर्चा इतना है, इन्वेस्टमेंट में इतने पैसे मैंने जमा किए, इसमें इन्वेस्टमेंट किया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, वो आपको आइडिया आ जाता है। और तीसरा है कि जो आपने रेनी डेज के अंदर, जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, टाइम ख़राब आ जाए, तो उस हिसाब से उसमें से पैसा निकाल के आप अपना काम चला सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा आपको कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है लेकिन आज भी वर्क करता है। कई लोगों को काफ़ी चीज़ें पता नहीं होती इंश्योरेंस के अंदर, तो इंश्योरेंस ले लेते हैं कि अगर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लूँगा, मैं मर जाऊँगा तो मेरी वाइफ को पैसा मिलेगा या मेरे फैमिली मेम्बर्स को पैसा मिलेगा। अब इन्वेस्टमेंट में लाइफ इंश्योरेंस एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है,
लेकिन वो मरने के बाद भी पैसा मिलता है और मरने से पहले भी पैसा मिलता है आपको। अब किस तरह मिलता है, पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप लेते हो वो किस कंपनी की है। मतलब कि कंपनी का नाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंपनी किस बिजनेस मॉडल पर बना हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की कंपनी जो आपको पॉलिसी देती है किस ढांचे में बना हुआ है। अब उसमें ये होता है कि दो तरह की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है, एक होती है कि वो कंपनी जो है वो जो भी मुनाफा करेगी, वो प्रॉफिट करेगी, उसका डिविडेंड आपको हर पॉलिसी होल्डर को, अगर कंपनी ने वो स्टॉक एक्सचेंज में रखा हुआ है, लिस्टेड है, वो कंपनी अपने मुनाफा पहले देखेगी और अगर बचेगा वो डिविडेंड आपको देगी। ये हुआ स्टॉक, उसके अंदर वो स्टॉक कंपनी का जो प्राइस है वो अप एंड डाउन होता रहता है और उस हिसाब से पॉलिसी होल्डर को थोड़ा बहुत पैसा मिलता है अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो प्रॉफिट आपको आपको नहीं मिलता है और कंपनी को प्रॉफिट जाता है। दूसरी इंश्योरेंस कंपनी ये होती है कि जो पॉलिसी होल्डर ओनर्स होते हैं, तो पॉलिसी होल्डर ओनर्स होने से क्या होता है कि एवरी ईयर वो डिविडेंड देती है और हर पॉलिसी होल्डर के जितनी फेस वैल्यू होती है उस हिसाब से उसको डिविडेंड डिपॉजिट किया जाता है। अब रिस्क क्या है, इसमें रिस्क कोई नहीं है। रिस्क में ये है कि रिस्क मतलब कि रिस्क नहीं है और है भी। रिस्क ये है कि जो पॉलिसी होल्डर है अगर वो पॉलिसी लेते हैं, वो कंपनी सारे पॉलिसी होल्डर्स ओनर होते हैं उस कंपनी के, मतलब कि कंपनी ने प्रॉफिट किया तो सभी पॉलिसी होल्डर को उसके फेस वैल्यू के हिसाब से पैसा जमा होता है। स्टॉक एक्सचेंज का जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में होता है कि जो लिस्टेड होती है अगर वो मुनाफा करती है तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होता है, नहीं कि पॉलिसी होल्डर को। तो जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि कंपनी किस बिजनेस मॉडल पे वो कंपनी बनी हुई है और आपको क्या फ़ायदा होगा ऐसे पॉलिसी होल्डर। कंपनी तो बिजनेस के लिए है, वो कंपनी तो प्रॉफिट करेगी, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स को क्या फ़ायदा है वो आपको पहले देखना पड़ेगा। अब ये होता है कि एक तो टर्म लाइफ होती है जिसके अंदर एक टर्म होता है कि जैसे कि 25 साल का टर्म है और 25 साल के टर्म के अंदर 25 साल ख़त्म हो गया, आपने प्रीमियम पे किया, अगर नहीं कोई किसी की डेथ नहीं हुई, उस पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं हुई तो पैसा चला गया, दैट इज़ टर्म। जैसे कि हम रेंट पे घर लेते हैं तो वो अपना नहीं होता है, रेंट भरते रहते हैं, किराया भरते रहते हैं और वो अपना घर कभी नहीं बनता, इसको टर्म कहते हैं। होल लाइफ पॉलिसी ये होती है कि होल लाइफ पॉलिसी में ये होता है कि जो डिविडेंड मिलता है, जैसे कि शेयर होल्डर सारे डिविडेंड होल्डर ओनर होते हैं, उस टाइप की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें आपकी कैश वैल्यू जमा होती है। जैसे कि आपने 25 साल का लिया या 30 साल का लिया, जैसे कि किसकी उम्र है 25 साल की और उसने एक 25 साल का लिया तो 50 साल की उम्र में वो पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। उस दौरान में किसी की डेथ हुई तो जो फेस वैल्यू की जो जितनी पॉलिसी आपने ली है उसका पैसा आपके फैमिली मेम्बर्स को मिल जाता है जिसका आपने नाम लिखा होता है, जैसे कि आपकी पत्नी है, आपके भाई है, आपके फादर है, मदर है, जिसका भी नाम आपने लिखा होता है उसको मिलता है। लेकिन अगर डेथ नहीं हुई और 25 साल ख़त्म हो गए तो उसके पहले आप वो कैश वैल्यू जो है कितनी जमा हुई है वो कैश वैल्यू आप लेकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि प्रीमियम जो आपने पे किए हुए वो सारे प्रीमियम आपको वापस मिल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दो फायदे हैं, एक फायदा ये होता है कि अगर नहीं मरे, डेथ नहीं हुई तो आपको वो कैश वैल्यू का फ़ायदा होगा। अगर डेथ हुई तो जो जैसे कि आपने 5 लाख का लिया हुआ है तो 5 लाख का वो पैसा आपके फैमिली मेम्बर को मिलेगा, तो उसमें दो फायदे हैं। थोड़ा प्रीमियम इसमें ज़्यादा होता है भरना, लेकिन ये फ़ायदा कारक होता है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो किस प्रकार की लेनी चाहिए वो फर्दर डिस्कस हम फर्दर आगे करेंगे, उसके अंदर डिटेल में जाएंगे। आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टॉक
कैसे लेना चाहिए और किस लेवल पे लेना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ और अगली वीडियो में हम आपको उसमें डिटेल में आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे। कॉज एंड इम्पैक्ट, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। किसी चीज़ का कोई इम्पैक्ट होता है कब होता है, कि कोई कॉज होता है कभी। जैसे कि कोई मुल्क के अंदर जो वहाँ से ऑयल निकलता है और ऑयल में कुछ आग लग गई उस जगह पर, तो क्या होता है कि वो ऑयल रिफाइनरी बंद हो जाती है टेम्पररी और सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि ऑयल प्राइसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उस टाइम पे स्टॉक के प्राइस ऊपर जाएंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, तो उसका कॉज होता है जैसे कि आग लग गई कॉज है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो हमेशा देखना चाहिए। तो इसके बारे में ज़्यादा आप चर्चा करेंगे फ्यूचर में दूसरी वीडियो में, तो बने रहे आप इस चैनल के साथ। और इन्वेस्टमेंट के बारे में हम धीरे धीरे हर चीज़ को कवर करेंगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, रियल एस्टेट है, बिटकॉइंस है, क्रिप्टो करेंसी है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप बने रहे और इस चैनल को आप, आपको पसंद आई हो, आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, आप उसको सब्सक्राइब करें। आप नए हो तो आप उसको बेल आइकॉन दबा के दूसरी जो नई वीडियो आएगी वो आपको पहले ही आपको इतला हो जाएगी। तो इस आज के बारे में हम आप यहीं पर रुक जाते हैं और आपको ये सुनने के लिए आपको सबको मेरा धन्यवाद।